हाय मैं रिधि डोगरा सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ यूट्यूब चैनल राइट नाउ गो फ्लैशबैक 2005 2006 <laughs> मैं एक टीवी चैनल का होस्ट और एक एसोसिएट प्रोड्यूसर ऑफिस में घुमा करती थी <laughs> और मेरा यही था यार कि कब मुझे ब्रेक मिले और मैं कम से कम हाई बोलू ये एसोसिएट प्रोड्यूसर को तो और जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो चैनल के उनको समझ आ गया था कि ये कंबा बीच बीच यहां क्यों आता है और वो मीटिंग्स क्या करती थी मैं आता था महाया बोलता था बट आई वु जिप्ट बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्शियस around अराउंड at दैट टाइम

डर आई थिंक इसलिए खुशी मुझे है बिकॉज आई थिंक मैं एज एन एक्टर आई आई मैं मतलब आई थिंक मुझे शौक है एज एन एक्टर पंगे लेने का लाइक आई मुझे अपने आप को किसी बॉक्स में डालना ही नहीं है सो आई है सो uh, so, वो मेरी एक्साइटमेंट है कि यू नो आईम मैं अलग अलग चीज़ें कर रही हूँ आई एम ट्राइंग टू डू एवरी सारे कैरेक्टर्स जो भी आ रहा है आई वॉन्ट टू ट्राई एंड डू दैट बट डर ऑफकोर्स इसलिए क्योंकि आपने मुझे अभी कावेरी अम्मा ही बोला सो लाइक इट्स लाइक डोंट डोंट से दैट बट इट्स ओके मतलब um, आई मैंने जानबूझ के ही किया जो किया राइट right? मैंने मुझे पता था कि ये रिस्की है मुझे पता था कि यू नो इतनी बड़ी फिल्म है और इज़ इट इज़ इट वाइज टू टेक अप दिस पार्ट लेकिन आई रिमेंबर उस टाइम पर भी जब मैंने डिसाइड किया था मैंने ये सोचा था कम ऑन रिद्धि जस्ट किक योर सेल्फ यू नो सो मेरा आई थिंक लाइफ का मोटिव ही वो है टू जस्ट किक माई सेल्फ लाइक करते रहो करते रहो जस्ट जस्ट ट्राई डू डिफरेंट थिंग्स ऐसी चीज़ें करो जो uh, जो नॉर्म से हटके हो सो आई थिंक दैट्स वाई थोड़ा डर है और बहुत सारी एक्साइटमेंट है तो कि योर सेल्फ खुद को ज्यादा किक किया कि दूसरों को ज्यादा खुद को ही किक किया है क्योंकि मैं इतनी एंगजाइटी में रहती थी ड्यूरिंग शूट भी बहुत ही एंशियस होती थी वेन एवर आई टू सी माई सेल्फ इन द गेटअप एंड मुझे पता था कि यू नो आई न्यू रोल क्या है कैसे है क्या नहीं है सो वो डर था बट एवरी डे आई किक माई सेल्फ ना कि नो कम बिलीव इट बिलीव इट यू कैन डू इट इट सो यार ये तो एक बॉक्सिंग कोच की तरह साउंड कर रही है बैठ के ना यू कैन डू इट कम ऑन बट एक्चुअली देखा जाए हम लोग सब एक बॉक्सर की तरह ही एवरी डे रिंग पे जाते हैं कभी कभार वैलिडेशन की भी जरूरत होती है तुमने कहा है रिस्क लेना तुम्हें बहुत पसंद है दो yeah. हजार में तुमने अपने पहले सीरियल में काम किया था यानी कि पंद्रह साल ऑफ रिदी दोगरा पहले इंटर्न एसोसिएट डायरेक्टर जो भी बोलो yeah. ये पंद्रह साल में कौन से तुम्हारी रिस्कअस चीजें थी जो उस वक्त तुम्हारी फट गई थी पर hmm. अब तुम बोल रहे हो थैंक गॉड मैंने किया आई थिंक uh, जो भी चीजें मैंने रिस्क लेके की है वो सब वर्क किए सो दिस वन आई हैव टू वेट एंड सी के बाद होता क्या है बट लाइक आई रिमेंबर मैं टेलीविजन कर रही थी तो देयर वाज अ शो जिसमें मैं मदर प्ले कर रही थी ऑफ टू किड्स एक्चुअली यू नो विद विद फीमेल एक्टर्स यही होता है ना कि आप मदर प्ले करेंगी देर इज दिस ओ नो 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 आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज सबसे पहले ब्रैकेट में डालने वाले लोग ही इंडस्ट्री के होते हैं ऑडियंस इज़ आर वेरी ओपन आई फील बिकॉज आई एम ऑल्सो एन ऑडियंस और मुझे पता है कि मैं किसी भी एक्टर को किसी भी यू नो कैरेक्टर में देखना पसंद करती हूँ बट इट्स

इट हैज़ वर्क फिर मैंने टेलीविजन से ब्रेक ले लिया और आई सेड नहीं कुछ अगेन आई वॉन्ट टू पुश माई सेल्फ असुर किया असुर वॉज अ यू नो इट वॉज नॉट अ शो अबाउट मी इट वॉज नॉट जो मुझे टेलीविजन में आदत थी कि मेरे मेरे लिए यू नो मेरे कैरेक्टर के लिए ही शो लिखा जाता है वो मेरे लिए था नहीं फिर भी मैंने यू नो आई आई टुक दैट चैलेंज कि कैन आई स्टैंड अपर बिटवीन अरशद एंड शारब एंड यू नो एवरीबडी एंड विदाउट हैविंग डायलॉग्स क्या मैं कुछ कर सकती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी चैलेंजेस आते हैं ही हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए ऐसा मुझे लगता है आई अग्री कंप्लीटली बट जब आप ब्रेक लेते हो जहाँ hmm. आमदनी अच्छी आ रही है yes. मनटाल बहुत अच्छा आ hmm. रहा है और बोलते हो नहीं मैं नहीं करूंगी hmm. क्योंकि मुझे ओ करना है फिल्में करनी है उस वक्त फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही थी आपके साथ क्योंकि मैंने सुना है कि एक्टर्स बहुत कमाते एक जब ब्रेक लेते हैं बहुत टफ सिचुएशन आता है वो आपके साथ तो आई एम नॉट अ स्पेंड थ्रिफ्ट आई एम नॉट आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल स्टाइल इतनी मैं बहुत सिंपल बहुत सिंपल जीती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ सिंपल जीने में uh, तो नहीं मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई टच वोट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी बट uh, हाँ ये चीज़ हुई कि यू हैड टू बी वेरी आई थिंक कैलकुलेटिव इन हाउ यू वॉन्ट टू लिव और यू हैव टू बी वेरी लाइक जो चीज़ ज़रूरी है जहाँ एनर्जी डालनी है एंड लकीली ऑनेस्टली यू नो सोशल मीडिया रियली सेव्ड ऑल ऑफ अस वो कहाँ से आ गया पता भी नहीं चला बट यू नो एक जरिया खुल गया हम सबके लिए एज एक्टर्स एज आर्टिस्ट टू बी एबल टू उसमें भी वेंचर आउट करने के लिए और जब मैंने टेलीविजन छोड़ा था मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था कि मैं ओ टी टी करूँगी बिकॉज ओ टी टी इतना स्ट्रॉग था नहीं उस टाइम पर इट वॉज टू थाउजेंड सेवनटीन था ओ टी टी बट इतना नहीं था यू नो नाव कोई भी आंख बंद करके भी बोल सकता है कि फाइव सिक्स मंथस टेक अ ब्रेक और मैं ओटीटी करूंगी उस टाइम पे ऐसा नहीं था सो आई एक्चुअली टुक अ ब्रेक आई डिड अ कोर्स इन एक्सपीरिएशियल थेरेपी मूवमेंट थेरेपी आई थॉट बिकॉज मैं पहले भी कोई दूसरी जॉब कर चुकी थी तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ यू नो लाइफ में स्टैगनेड नहीं होना है तो अगर मुझे एक्टिंग से मज़ा नहीं आ रहा है कुछ और ट्राई करते हैं तो मैं बेंगलोर गई तीन महीने का मैंने कोर्स किया टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन एक्सपीरिएशियल थेरेपी विच इज़ ऑल्टरनेट थेरेपी बेसिकली एंड बहुत इंटरेस्टिंग है मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट रह चुकी हूँ कॉलेज में सो आई 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 टू ग्रो इन लाइफ सो मतलब मैं आई डोंट टू रिस्ट्रिक्ट सेल्फ कि ऐसा नहीं हो रहा अब ये क्या होगा इस, इसके अंदर अब ये अब क्या चीज है जिसमें मैं फिट करूँ अपने आप को मुझे फिट होना ही नहीं है मुझे जिंदगी जीनी है क्या बात है चा सिमरन जी ले अपनी yeah. जिंदगी yes. ये जो थेरेपी है यानी कि इसका मतलब है ना समझाना मुझे ओके okay, yeah. कि जहां मुझे लगा का? बहुत बोरिंग हो जाएगा इसीलिए मैं नहीं नहीं बोलो अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा तो, तो तुम्हें लगता है कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है डिप्रेशन में वो आपके पास आ सकते ऑफ कोर्स मेरे पास तो आते ही <laughs> <laughs> आते हैं आपके पास लोग <laughs> मतलब नॉट रियली आई माई फ्रेंड्स विल किक मी बट आई थिंक आई हैव दैट आई थिंक एज एन आर्टिस्ट अगर आप एक एक्टर हो सेंसिटिव हो एम्पैथ हो और अपने वो टैप्स खोल के रखे हुए हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड पीपल एंड आई डू अंडरस्टैंड यू नो मे को मैं लोगों को लोगों की तरह ही लेती हूँ आई डोंट रियली लेबल्स नहीं लगाती ना खुद पे लगाने देती हूँ ना लोगों पे लगाती हूँ तो uh, तो बहुत आसान हो जाता है ना अब इतनी सारी चीजें हटा के यू कैन टॉक स्ट्रेट अवे टू समी सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और मैंने वो टेकअप नहीं किया आई टेल यू बाय बिकॉज आई थिंक एंड ऑफ दैट होल तीन महीने का कोर्स देर वॉज एन एक्सरसाइज कि वी विल डू समथिंग वी लव टू डू एंड मेरा वो एक्सरसाइज ऐसे गया कि इट एंडेड अप बीइंग आई लव द कैमरा लाइक द पर्सन हु वाज टेकिंग दैट एक्सरसाइज विद मी

आप एक श्रिंक के पास जाते हैं आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं आप बात करेंगे आप एक्सपीरियंशल थेरेपी में बात नहीं करते आप क्रिएटिविटी uh, uh, यूज करते हैं सो so, आपने पेंटिंग यूज़ की म्यूजिक यूज़ किया डांस यूज़ किया या कभी कभी यू नो योर जस्ट स्क्रीमिंग और इट कैन बी एनी थिंग एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर डिप्रेशन इट्स फॉर ऑटिज्म इट्स फॉर एवरी थिंग ए डी एच डी सो सो या आई रिमेंबर दैट एक्सरसाइज की ओके आई थिंक मुझे जाके जा एक्टिंग ही करनी चाहिए बिकॉज क्लियरली माई हार्ट इज़ देयर तो मुझे लगता है क्योंकि स्पेशली एंटरटेनमेंट बिजनेस में yeah. बहुत सारे dilemmas होते yes. हैं इनसिक्योरिटीज होती है आप बाहर घूम रहे हो स्टार बन के अंदर ही अंदर आपको लग रहा है मैं कल क्या करने वाला या करने वाली हूं तो क्या आपके दोस्त भी आपके पास आने लगे इस सिलसिले में दे मस्ट बी कमिंग राइट आई डू या मतलब ऐसे आते नहीं है कि रिद्धि टेक आउट टाइम और अब बैठ के अब बता यू नो डिम लाइट में कहा बैठू नॉट लाइक दैट बट आई आई डोंट नो आई फील लाइक वी एक तो वी आई फील लाइक इन दिस इंडस्ट्री अगर कोई किसी को समझ सकता है तो समझना चाहिए बिकॉज यू नो इवन जब मैं किसी नए एक्टर को मिलती हूँ जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं आई ऑलवेज टेल दैम गेट सेल्फ हेल्प

My journey is singular only. Alone and lonely are two different things. Okay. So uh, I I don't uh, alone. I feel alone a lot of times because um, I, you know I. मैं उस फैमिली से आती नहीं हूँ जहाँ मैं किसी के साथ बैठ के बात कर सकूँ यू नो कि आज ये हुआ ये स्क्रिप्ट थी डोंट हैव दैट आई डोंट हैव अ मशीनरी वर्किंग फॉर मी एंड ऑल्सो यू नो आप जितना सीखते जाते हो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अनलर्न यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आई आई बिलीव दैट कि यूफ टू आई हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप अनलर्निंग तभी मजा है तभी मेरी आँख में स्पार्क दिखता रहेगा वरना यू नो इट लुक लाइक आई नो इट ऑल

मेरे जितने भी जो भी मैंने काम किया है सब लोग मेरे दोस्त रहे हैं बहुत बहुत सारे दोस्त रहे हैं एंड आप जिनकी बात कर रहे हो यू नो इट स्टार्ट विद माई ब्रदर एक्चुअली बिकॉज ये सब दोस्त मेरे भाई के दोस्त हैं सो एक्चुअली मेरे दोस्त ही है लेवरेज <laughs> जो है आप उठाती है बचपन से बचपन से मेरे भाई के दोस्त uh, मैं अपने दोस्त बना लेती हूँ सो वेदर इज बरुण और यू नो दलजीत सनाया गौतम ऑल दीज पीपल आई मेट तनवीर जिनके साथ असुर किया उनकी वजह से एकता को मिली यू नो सो इट्स लाइक एंड वेन यू मीट पीपल एस पीपल यू बिकम फ्रेंड्स आप कॉम्पिटिशन या ये सोचेंगे ये क्या कर रही है वो क्या कर रहा है तो दोस्ती कभी होगी ही नहीं दोस्ती तभी हो सकती है जब आप यू um, नो you know, आप एक इंसान को एक इंसान की तरह लेट्स नीडेड और कुछ नहीं चाहिए आई फील इनफैक्ट आई लाइक हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं एक चीज रियलाइज किया although i must have started 2008, 2009 actually is when i seriously said, i'll be nahi." because mm. uh, my uh, ex-boss had told me, the doors are open, you come back if you want to, if this doesn't work out or you're not happy. 2009 i decided, no, i will start now, i will act. and uh, by 10, 11 i was properly into it. बट आई थिंक नाउ टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद वैन यू नो आई थिंक माई मैरिज गॉट ओवर इज़ वेन आई हैव सीरियसली स्टार्टड थिंकिंग अबाउट माई करियो उसके पहले जो भी था वॉज अ ब्लेसिंग इट वॉज लाइक गुड थिंग्स वो हैपनिंग एंड आई वॉज जस्ट मेरा फोकस यही था कि मुझे खुद को पुश करना है और बस जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड मनी इज़ ग्रेट इन टेलीविजन सो यू डोंट रियली मिस दैट तो बट नाव फ्रॉम टू थाउजेंड नाइनटीन इज़ वैन आई हैव सीरियसली स्टार्टड थिंकिंग ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू डू हाउ आई वॉन्ट टू डू इट एंड ऑलो मैं कोशिश यही रख करती हूँ कि प्लान ज़्यादा नहीं करूँ बिकॉज आई आई वेव ऑब्जर्व फ्राम पीपल्स एक्सपीरियंसिस कि प्लान नहीं करना चाहिए uh, जो जैसे जा रहा है इन द फ्लो ऑफ थिंग्स और आपको जैसे जो करना है आप डिसाइड uh, करो मैनिफेस्ट करो बट डोंट सटन प्लान कि ये दो साल में ये होना चाहिए सो आई स्टिल डोंट डू दैट बट आई मोर फोकस्ड लाइक माई फोकस इज हियर एंड आईव फ्रोजन माई एग्सो अच्छा सो नाउ आई डोंट नो एंड टाइम्स दर्ल्ड इन कंपेनियनशिप के लिए गेट अ कंपेनियन मेक्स मी फील लाइक योर गुड एज यू आर माई नॉट बट आई एम नॉट सीकिंग इट एट द मोमेंट आई एम सीकिंग एडवेंचर्स फॉर माई करियर आप देखो मेरी ऑलमोस्ट दस साल हो गई है शादी के ठीक है या आई नो और मैं जेन्यूनली बोल रहा हूँ टेन ईयर में टच वुड वर्क मेरा बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया mm. क्योंकि मुझे कंपेनियन या पार्टनर mm. ऐसा मिला जो मुझे कहते तो बस जाना करेक्ट प्ले बी विराट कोहली डजेंट मैटर करेक्ट आई एम देयर और मैं बहुत एम्पावर्ड फील कर रहा था राइट right. समटाइम्स आई डोंट हैव अ गुड डे जब घर आता हो तुम माई माई फैमिली माई वाइफ एंड मेक मी फील कि सारा तू तो बाहुबली है तू तो तलाईवा है तो मुझे लगता है एज अ फ्रेंड की जब सही मिलता है yeah. तो मोहब्बत भी होता है दोस्ती भी होती है एंड काम भी चलता रहता है तो ऐसा uh, uh, I mean, ही होगा बट कैमरा से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप अगर उसी इर्द गिर्द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घूमोगे yes. yes.

वेडिंग तो पहला सवाल ये पूछा कि तुम एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो तुम इतने लोगों से मिलते हो तुम्हें अरेज yeah, क्यूटा right. <laughs> मुझे कहती है, ना मुझे समझ आया क्यों बिकॉज yeah. जब वो आती है जैसे लोग मुझसे पूछे वॉच दौस अब सच में मुझे घंटा गॉस मालूम होता है यार. Really, और मेरी वाइफ को यह तक नहीं पता होता कि मैं किसको जा रहा हूं इंटरव्यू करने वो बस

Uh, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए करना जो मैंने किया एंड आई एम सो ग्लैड ही अक्नोलेज इट यू नो इवन दो इवन दो ही सेड इट एंड मे बी ही मस्टर सेड इट वेरी कै यू नो आई डोंट नो कैजअली और नॉट बिकॉज उन्होंने स्टेज पर बोला है बट यू नो उन्होंने जब बोला ना अनफॉर्चुनेटली प्लेइंग माई मदर इट वॉज लाइक आ यू नो लाइक दैट मोमेंट फ्रॉम होम शांति होम हैपीड फॉर मी वर आई लाइक इट आई डोंट नीड एनीथिंग थैंक यू फॉर सेंग दैट

मतलब मैं जब पहली बार उनके साथ शूट कर रही थी तो ही मेड मी फील सो कम्फर्टेबल मुझे सच्ची क्योंकि वो दिल्ली से हैं तो मुझे सच्ची ऐसे लगा कि हम दोनों दिल्ली से दोस्त हैं या तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जो यू नो देर आर टू थ्री पीपल आई नो फ्रॉम दिल्ली जो बॉम्बे में हैं मुझे लगा ये वैसे ही हैं यू नो ही इज़ द सेम ही इज़ जस्ट लाइक दैट ही वॉज हेल्पिंग मी विद माई लाइन्स यू नो एक सीन था जो मूवी में है जिसमें यू नो ही डेंट नीड टू डू दैट राइट ही डेंट नीड टू लाइक टेल मी ऐसे बोल ये कर ही रोटेड फॉर मी ऑन दैट स्क्रिप्ट या एंड इट वॉज सो स्वीट लाइक डेफिनेटली यू कैन टेल दैट एंड ही डज इन ये टायर्ड ऑफ ऑफ यू नो नो मैट लाइक इवन वेन पैकअप उनका पैकअप जल्दी हो गया था तो ही सेट मैं आऊँगा वापस जब पैकअप होगा आई कम से बाइट यूज लाइक माई गॉट

you have to act very well. come on, be professional. treat him like a co-actor. you know, give him also this thing. Ki, you know, you'll act well. i was telling myself all this. Um, you know, he should be proud of you. he should feel like, oh, she's my fan. look how well she's doing it. Uh, not that, you know, neepatania is a sojavi, but, you know, you give yourself so much thought. so uh, i remember that, um, so yeah, i was constantly trying to downplay it. and then we were sitting just like this, siddharth, and i was like, ही वो हीडन गेट अप द होल टाइम वो पूरा दिन शूट पर उठे नहीं बैठे रहे और मुझे ऐसे और क्वाइटली बैठे थे फ़ोन पे भी नहीं थे कुछ नहीं यू नो एंड वज लाइक हाउ केन आई लेट गो ऑफ दिस यू नो दैन यू फील लाइक डों ट्रेवल हिम लेट हिम बीन लाइक हाउ केन आई लेट गो ऑफ दिस ऑपरचुनिटी आई हैव टू टॉक टू हिम तो मतलब मैं सिली जोक्स क्रैक कर रही हूँ कुछ भी बोल रही हूँ एंड दैन एम लाइक यू डेंट नीड टू सेट So yeah, he is so charming that you end up looking like a fool. <laughs> तो जब तो वो जब quietly बैठे थे, mm. तो ये जो jokes जो आप मार रही थी, तो उन्होंने react किया कि नहीं? Yeah, किया सब jokes पे react किया. I'm telling you because he yeah, has Delhi humour. <laughs> I think कहीं ना कहीं तो समझ रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ और you know he nervous है और ये you know she's trying. <laughs> शाहरुख़ Khan का number <नंबर> लिया कि नहीं? नहीं. क्यों रहे यू नो सो मेनी पीपल नंबर नहीं लिया क्यों नहीं लिया नंबर नहीं लिया हिम्मत ही मेरी उनसे बात नहीं कर पाती यू नो आई आई कैन टेल यू दिस बिकॉज यू आर माई फ्रेंड आई आई टेल यू आई टेल यू लिसन टू मी सो वेरी फनी इंसिडेंट कैन आई टेल यू इट्स अ लॉन्ग इंसिडेंट इट्सिट बोलना फर्स्ट सो आई हैव मेट आई हैव आईव मैं शाहरुख uh, मैं उनको शाहरुख बोलती हूँ सबसे पहले सर मैं नहीं बोलती क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था मैं यू आर शाहरुख फॉर मी तो मैं आपको शाहरुख ही बुलाऊंगी आई हैव मेट शाहरुख मेनी टाइम्स राइट आई हैव मेट हिम एक शूट पे देखा था एक फैमिली इवेंट पे वो मैं उनको मिली थी माई बेस्ट लाइक मोमेंट ऑफ मीटिंग हिम वॉज वैन आई वॉज़ इन दैट ऑफिस एंड ओम शांति ओम का ट्रायल हो रहा था और मेरे ऑफिस से उमार कुरेशी को इन्वाइट किया था और उन्होंने पूछा किसी किसी को जाना है आई सर आय कम एंड आई वॉज इट वॉज अ प्राइवेट स्क्रीनिंग विद ऑल द ना आई डोंट इवन नो इफ आई वॉज अलाउड टू बी द

एंड एंड ऑल आई वॉजिंग इट शाहरुख आई वॉज नॉट लुकिंग इन द मूवी मैं शाहरुख को देख रही थी कि वो अपनी मूवी कैसे देख रहे हैं और कैसे देख रहे थे वो वेरी मतलब यू कू टेल ही वेरी डिटेच एंड ही वॉज नॉट रिएक्टिंग टू द मूवीज वॉचिंग इट जैसे मतलब यू नो विद वेरी ऑब्जेक्टिव स्ट्रेट फेस देख रहे थे या स्टेज पे बैठे थे और वो मूवी देख रहे थे और uh, मैं उनको देख रही थी और मैंने अभी रिसेंटली ओम शांति ओम देखी मुझे भाई सीन मैंने कहा माय गॉड ही इज ही इज एंड वो एक स्क्रीनिंग में वो एक प्रेमिया पे चले गए जहाँ उनको होना नहीं चाहिए था और फिर जब मूवी चल रही है वो शांति प्रिया को देख रहे थे एंड आई लाइक वेट अ मिनट ये मैं कर चुकी हूँ और मैं यही मूवी देखने गई थी सो इट्स वेरी इट्स इज इट लाइक फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये प्रोजेक्ट ऑडिशन करने पड़े या फिर बना था आपके लिए बस हाथ में आ गया नहीं नहीं ऐसा नहीं था मतलब आई मैंने टेस्ट किया था आई थिंक अब बहुत लोगों ने देख ली मूवी तो आपने नहीं देखी है तो देर आर दीज फाइव गर्ल्स फाइव सिक्स गर्ल्स इन द मूवी उनके पार्ट के लिए मैंने टेस्ट किया था कुछ एक साल पहले फिर मुझे कॉल आया कि एटली वॉन्स टू तो मीट यू फॉर अ पार्ट तो कैसे यू you नो know, तब तक पता था एटली कौन है और क्या कर रहे हैं और ये यू नो मूवी शूट हो रही है

एंड आई वॉज लाइक एंड आई डेंट रियलाइज इट बारह बजे तक मुझे मतलब हमारी बात कुछ सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हुई थी और उन्होंने मुझे बोला उसी दिन आप आओ सेट पर मिलने के लिए uh, तो कुछ साढ़े ग्यारह बजे वैन आई सो आई सेट इट्स सो लेट अभी आऊँ तो दे सेट हाँ देट्स वेन आई सो इट्स माई नाना I was like, जी इज़ बर्थ डे आई लाइक नान जी आई यू ये आपने किया है क्या बिकॉज इट वॉज सो सडन यू नो इमीजिएट हो गया कि आप आइए ही वॉन्ट्स टू मीट यू एंड ही विल फाइनलाइज सब कुछ हो जाएगा सो आई वेंट टू मीट एटली एंड ही वो यू नो शूट कर रहे थे फिर भी उन्होंने टाइम निकाला उनके असिस्टेंट के साथ एंड ही मेट मी और उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे क्या पार्ट है कैसे है uh, कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि आपने मैनी पीपल मे आर नॉट है आई हैड नो रीज़न नॉट टू डू इट आई वॉज लाइक स्केप्टिकल थीम है बिकॉज ऑफ द वे इट वॉज बट क्योंकि आई फील लाइक

वो बॉक्स और वो बॉक्स ऑफिस को भी तोड़ देंगे अपन तो ये टूट गया ना विद जवान एवरीथिंग इट्स अमेजिंग इट्स अमेजिंग टू बी टू की किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इट्स अमेजिंग बट इट्स इट्स शाहरुख इट्स पीपल लव